जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे टाटा IPL 2023 का, जो कि दोस्तों ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम सनराइज हैदराबाद के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड सबसे पहले बात करता हूँ दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स से लोकेश राहुल जो कि दोस्तों कप्तान है लखनऊ सुपर जायंट्स के, कायल मेयर्स, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या, मार्कस स्टोइनिस, निकोलस पूरन, के गौतम, मार्क वुड, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई एंड आवेश खान। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 की। तो अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, आयडन माक्रम जो कि दोस्तों कप्तान है सनराइज हैदराबाद के, हैरी ब्रूक, वॉशिंगटन सुंदर, उमरान मलिक, आदिल राशिद, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, फजल अक फारूकी। दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि सनराइज हैदराबाद की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट फ्रेंड बात करता हूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दें दोस्तों ये मुकाबला 7 अप्रैल फ्राइडे को शाम को 7:30 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों एकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ये मुकाबला खेला जाएगा। बात करता हूँ यहाँ की पिच रिपोर्ट की। तो बैटिंग के लिए ये पिच फायदेमंद रहने वाली है। हालांकि दोस्तों अभी तक टोटल यहाँ 9 मैचेस खेले गए हैं, बैटिंग पहले करने वालों ने ही 5 मुकाबले जीते हैं, बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों 4 मुकाबले जीते हैं। जो एवरेज स्कोर आया इस पिच का वो 151 रहा है। फ्रेंड्स वेदर रिपोर्ट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो लखनऊ का टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स एकाना क्रिकेट स्टेडियम के अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की। तो दोस्तों टोटल मैच 9 खेले गए हैं, बैटिंग पहले करने वालों ने 5 मुकाबले जीते हैं और बॉलिंग पहले करने वालों ने दोस्तों 4 मुकाबले जीते हैं। बैटिंग फर्स्ट वन 55% एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 44%। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर आया वो 151 रहा है और सेकंड इनिंग का जो एवरेज स्कोर आया दोस्तों 126 रहा है। हाईएस्ट टोटल अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है वो 199 दो विकेट के साथ रहा है एंड हाईएस्ट जो स्कोर हुआ है वो 159 4 विकेट के साथ हुआ है। फ्रेंड्स लोवेस्ट वेंटेड 156 8 विकेट के साथ रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ फ्रेंड्स इस मैच में गिब्बे की। तो बता दूँ दोस्तों इस मैच में 50,000 रुपये का फ्री गिब्बे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो आपको 5,000 रुपये का फ्री गिब्बे दिया जाएगा। फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स बात करता हूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि गुड फॉर्म में है रिसेंट मैचेस में, तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। फ्रेंड टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस है वो कौन जीत सकता है। अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन आज का टॉस है दोस्तों सनराइज हैदराबाद टॉस जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है। फ्रेंड्स मैच एक्सपर्ट एडवाइस की बात करूँ तो दोस्तों आप मार्क वुड को एज अ स्मॉल लीग में कप्तान बना सकते हो और कायल मेयर्स को दोस्तों एज अ ग्रैंड लीग में आप कैप्टन बना सकते हो। दोनों खिलाड़ी आपके लिए एज अ कैप्टन ग्रैंड लीग एंड स्मॉल लीग आपके लिए बेस्ट रहेंगे। फ्रेंड्स हेड टू हेड की बात करूँ तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि एक मुकाबला हेड टू हेड जीत लिया था वो सनराइज हैदराबाद को उस मुकाबले में हार मिली थी। दोस्तों अगर आपको लाइव टेलीकास्ट देखना है तो स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा पर लाइव टेलीकास्ट देख सकते हो। फ्रेंड पॉइंट टेबल की बात करूँ दोस्तों तो लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि 4th स्थान पर है दोस्तों, जो में 2 मैच खेले हैं इन्होंने और 1 मुकाबले इन्होंने जीता है और 1 में इनको हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ हैदराबाद की जो कि 1 मुकाबला खेला दोस्तों, वो भी इनको हार का सामना करना पड़ा था। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करूँ फैंटेसी टिप्स की तो दोस्तों आप टॉप ऑर्डर बैटर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बने। फ्रेंड्स तो आप उनको भी अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। विकेट कीपर में दोनों सही हैं आप, निकोलस पूरन को आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे तो आप उनको अपनी फैंटेसी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड पिच कॉम्पिटेबल रहने वाली है, बैटर्स के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है पिच। दोस्तों विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ तो लखनऊ सुपर जायंट्स ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज ए सनराइज हैदराबाद टीम से। जो आप अपनी फैंटेसी टीम में सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं वो आप लखनऊ सुपर जायंट्स की अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों सबसे ज़्यादा प्लेयर पिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करता हूँ कुछ मौके खिलाड़ी जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, KR राहुल, कायल मेयर्स, निकोलस पूरन, मार्क वुड एंड रवि बिश्नोई। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी हैं जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट करिए। कुछ मुख्य खिलाड़ी जो कि हैदराबाद की तरफ से हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं, मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, आयडन माक्रम, उमरान मलिक, टी नटराजन, फजल अक फारूकी। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी जो कि हैदराबाद की तरफ से हैं जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं।
बेस्ट परफॉर्मर जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से रहे हैं, लोकेश राहुल, कायल मेयर्स, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या एंड मार्कस स्टोइनिस। दोस्तों ये बेस्ट परफॉर्मर लोकेश लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से रहे हैं, इनको आप फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ बेस्ट परफॉर्मर जो कि हैदराबाद की तरफ से रहे हैं दोस्तों, मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रूक, उमरान मलिक, आदिल राशिद और टी नटराजन। दोस्तों ये बेस्ट परफॉर्मर जो कि हैदराबाद की तरफ से रहे हैं, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूँ दोस्तों तो आप लोकेश राहुल को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं एंड कायल मेयर्स को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। मार्क वुड को दोस्तों एज अ कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग में सिलेक्ट करिए दोस्तों। मयंक अग्रवाल को एज अ वाइस कैप्टन आप अपनी ग्रैंड लीग में सिलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। हालांकि दोस्तों आइडन माक्रम को भी एज अ वाइस कैप्टन स्मॉल लीग एंड कैप्टन ग्रैंड लीग में इनको भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। इंजर्ड की बात करो दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है फ्रेंड। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम होगी, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फ्रेंड्स, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।